Hello people, what's up? Welcome back to the show Kadak Reaction. मैं मोहम्मद शावीस. ओके, तो आज हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं टीजर के ऊपर. इट्स कॉल्ड 12th मैन. यस, जिसमें है मोहनलाल इन द लीड रोल, उन्नी मुकंदन, सहज कुरूप, अनुश्री, अनु सितारा. ओके, ये OTT पे आने वाली है डायरेक्ट, हॉटस्टार पे. आई थिंक इट्स कमिंग इन मे में कोई डेट है इसका, ये शायद हमें इनमें पता चलेगा. सो लेट्स स्टार्ट द रिएक्शन, उसके बाद इसके बारे में बात करते हैं. उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल रिंग कीजिए फॉर मोर एंटरटेनमेंट एंड फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. इसके डिटेल्स हमने दिए हैं. शेरें बिखरी हुई हैं. इट्स टाइम टू ब्लो द फाइनल विसल. Oh wow, Mohanlal again. What we got to see in Mammootty's teaser, the same way, nothing heroic about him, nothing huge about him, nothing physics defying about him. He's just a star, a very normal person presented to you on your screen, aur aapko decide karna hai ki wo star hai ya nahi hai. And I think 12th man ka to ye hota hai na ki cricket mein hota hai 12th man. Yeah, 12th man, and extra also, player or extra person. ये विसल ब्लोइंग की बात कर रहे थे तो मुझे लगता है कि आई थिंक इट्स ऑन विसल ब्लोअर्स. एंड विसल ब्लोअर्स बेसिकली जो कि गलत चीज़ें जो हो रही है गवर्नमेंट में उसको हाईलाइट करते हैं, जो स्कैम होता है, जो हम जैसे लोग होते हैं, जो ही इसमें दिखाया गया है, जो वो कुछ स्कैम अगर हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है गवर्नमेंट में, गवर्नेंस में, तो वो उसको फ्लैग करते हैं. वो आई थिंक उसके बारे में कुछ होगा. ये यही चीज़ मेडिकल लाइफ में हो सकता है. मेडिकल ओके, व्हाट आई फेल्ट इज ये कोई टाइप ऑफ गवर्नमेंट करप्शन उस तरीके की फिल्म तो है नहीं. सो व्हाट आई फील इज इट्स समथिंग अबाउट साइकोलॉजिकल ड्रामा या फिर मेडिकल लाइफ या फिर कुछ लोगों के लिए जो यो क्या थेरेपीज होते हैं, समथिंग लाइक दैट. किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो गई, दे गो एंड दे उनका गिल्ट बोलते हैं वो, एंड ऑल दो स्टफ हैपेंस नो. आई थिंक इसके बारे में इसमें थोड़ा बोला गया है कुछ स्मूथी. होम में भी थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा सा वहाँ पे डिस्कशन किया गया था. उसकी इम्पोर्टेंस बोली गई थी, वो भी हो सकता है. व्हाट आई फेल्ट बिकॉज सी जिस तरीके का लोगों के दिखाया गया है, द थ्री लाइफ जो सीक्रेट लाइफ है, वो सीक्रेट लाइफ बंदे की हर किसी के सामने आती नहीं. आई थिंक एक थेरेपिस्ट के सामने ही आ सकती है, एक बंदा जिसे वो जाके शेयर कर सकता है. कुछ उस तरीके का लगा. एंड आई थिंक मोहनलाल इज प्लेइंग द 12th मैन इन देयर लाइफ, यू नो, एक्स्ट्रा मैन जो कि उनकी लाइफ में, जो कि यहाँ पर बहुत सारे मल्टीपल कैरेक्टर्स दिखे हमको. सो मे बी दे इनकी लाइफ मेसअप है एंड दे गो एंड दे टॉक टू हिम एंड आई थिंक ही इज अ 12th मैन जो कि सॉर्ट आउट करता है या फिर कुछ फंडा वो मेसअप वही कर देते हैं, समथिंग लाइक दैट. बट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट और वेरी इंटरेस्टिंगली प्रेजेंटेड, जो कि थ्री लाइफ दिखाया गया, अ पब्लिक लाइफ, अ प्राइवेट लाइफ एंड अ सीक्रेट लाइफ. एक्चुअली हर किसी की लाइफ में वो होती है एंड उसको बहुत अच्छी तरीके से दिखाया. यू नो द इंटेंसिटी उन्होंने क्रिएट की, द इज नो मोर नो डायलॉग्स और नथिंग लाइक दैट, जो कि आई थिंक मोहनलाल का सिर्फ एक ही डायलॉग है इसमें, लेकिन वो हिट कर गया टीजर. हाउ ही लुक्स मोहनलाल, सच अ बिग स्टार. अगर कहीं पे एक छोटी सी रैली रख ले तो लाखों के लोग जमा हो जाए वहाँ पे केरला में, ऐसे फैन फॉलोइंग. बट अगेन यहाँ पे इन्होंने मतलब
अपने आप को इतने कम्प्लीटली प्यारे तरीके से, इतना सिंपल तरीके से प्रेजेंट किया है, वो बयान करता है इनके स्टेचर को और इनका जो एक पर्सनालिटी है कि भाई हमको स्टार्स नहीं बनना, हमको इंसान रहना है और हमको इंसान की प्रॉब्लम्स से ही इनको डील करना है और इंसानों को इंसानों की कहानी दिखानी है. तो अच्छा लगता है मुझे. आई थिंक दिस वन ऑफ फन. एंड ये मे में 10th 12th या फिर 6th में समथिंग ऐसे कुछ यही डेट में मैंने कुछ पोस्टर देखा था मोहनलाल के ट्विटर अकाउंट में, तो आने वाली है. और ये डेरर प्रोटीटी है तो बहुत लोगों के लिए एक्सेस रहेगा आई थिंक ऑल ओवर इंडिया, एंड बहुत लोग देखेंगे. और डेफिनेटली एक ऐसी फिल्म की अगर ये अच्छी निकल गई तो प्रेजेस तो होते ही हैं भाई, और खासकर एक मलयालम फिल्म हो तो. एंड व्हाट आई वांट इज मलयालम फिल्म्स को मैं चाहता हूँ कि वो लोग बहुत वाइड तरीके से रिलीज भी करना शुरू करें, बिकॉज हम लोग साउथ में रहकर इन कर्नाटका बैंगलोर में हम लोगों को मलयालम फिल्मों की स्क्रीन्स बहुत कम देखने को मिलती है. लेकिन रिसेंटली बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आई थी. एंड जनगणमन आई थिंक आज रिलीज होने वाली है, जब मैं रिएक्ट कर रहा हूँ ये अभी सुबह में रिलीज होने वाली है. और मैं चेक कर रहा था सराउंडिंग में एक शो या दो शोज लगे हैं हमारे. एंड आई वॉन्ट के मलयालम फिल्म जो कि इतने कंटेंट रहती है उसमें, जनगणमन वी सॉ द ट्रेलर राइट, इट्स अ बिग फिल्म, आई वॉन्ट देम टू रिलीज डिस्ट्रीब्यूट करें बहुत वाइड लेवल पे. So, yeah. वो क्लिशे ऑडियंस होती है उसकी, और क्लिशे ऑडियंस सॉरी नीच ऑडियंस, सॉरी नीच ऑडियंस होती है उसकी, वो नीच ऑडियंस ही रखते हैं उसको वो. एंड आई थिंक ज़्यादा करेंगे भी तो वो लॉस में रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहते नहीं हैं. वेर एज नाउ वी हैव बिग बिग मूवीज कमिंग राइट नाउ, उसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन लेगा, कौन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेगा उसको, कौन अपने स्क्रीन्स देगा और देखने कौन जाएंगे. अभी तक जहाँ तक मुझे पता है कि एक ज़माना था तेलुगु मूवीज़ को सिर्फ डब मूवीज़ को देखा जाता, तेलुगु में जाते सिर्फ हम घर में देखते थे. फिर एक ज़माना आया, अभी आया ज़माना कन्नड़ा मूवीज़ को तो हम थिएटर में देखते नहीं थे. हम कन्नड़ा में होने के बावजूद भी कर्नाटका में हम बहुत रेयरली थिएटर में देखते थे, कभी टी वी में आ गए तो देन यूज़ टू वॉच इट या फिर VCD में देखते थे. लेकिन अभी क्या हुआ कि अभी पीपल हैव एक्सेप्टेड टू वॉच दिस काइंड ऑफ मूवीज़ इन थिएटर, तेलुगु डब मूवीज़ जाए कन्नड़ा डब मूवीज़ जाए, देखना शुरू किए हैं थिएटर में. एक्सेप्ट अभी हुआ है वो पुष्पा से ही हुआ है एक्चुअली देखा जाए तो. नाउ ऑल्सो आई नो लॉट ऑफ पीपल जो कि मलयालम के बहुत बड़े फैंस हैं और वो वही मूवीज़ देखते हैं मलयालम की, उनके लिए हॉलीवुड से बढ़कर मलयालम है. क्योंकि जो साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स होते हैं, जो भी यहाँ पे आपको कंटेंट मिलता है, दृश्यम में एक छोटा सा उसकी फिल्म्स मिल गई थी हमको, मैंने तो उतना देखे नहीं है. तो उस मुझे अभी इट विल टेक सम टाइम आई थिंक फॉर पीपल टू वॉच इट इन थिएटर, जो जो ऑडियंस अभी जो उसको सोशल मीडिया सॉरी नेटफ्लिक्स या OTT पे देख रही है, इट विल टेक सम टाइम. बट यस वंस इट्स डन हो जाएगा. बट आई वॉन्ट मलयालम इंडस्ट्री टू रॉक माय बिकॉज दे हैव अमेजिंग कंटेंट. आई मस्ट से कि यू नो तेलुगु कन्नड़ा इंडस्ट्री ऑल तमिल इंडस्ट्री ऑल दे आर डूइंग गुड इन द मास कंटेंट, बट जो आर्टिस्टिक फिल्में या फिर कंटेंट के बेस पे जो फिल्में होती हैं ना, वो मलयालम के अलावा आई डोंट थिंक कोई भी इंडस्ट्री क्रिएट कर रही है. जहाँ तक तेलुगु फिल्मों की बात है, जब तेलुगु डब मूवीज़ हुआ करती थी मुंबई और दिल्ली में, तेलुगु डब मूवीज़ एक या दो जहाँ तक मैंने खुद देखे हैं, ऐसे बड़े बड़े मूवीज़ जो पिछले सालों में रिलीज़ हुए थे मतलब कोविड से पहले, जब मैं सर्च ऐसे सर्च करता था मैं क्यूरियोसिटी से, एक या दो स्क्रीन्स मिलते थे सारे के सारे मुंबई में. मुंबई में कितने स्क्रीन्स हैं, दिल्ली में एक या दो या तीन डब मूवीज़ मिलते थे और वो भी लोग जाते नहीं, खाली रहता था. अभी ये आई थिंक उसका एंड ओनली जहाँ पे अगर तेलुगु लोग हैं वहाँ पे, या फिर वही उनको सीट नहीं मिली, फिर ऐसे ही वॉक इन कर लिए थिएटर, पता नहीं क्या मूवीज चल रहा है ऐसे बोल गए हम भी, तो उनके लिए तो ठीक वो ही देखते थे. लेकिन आज सारा दिल्ली भरा पड़ा है ऐसे थिएटर से. एंड देन अगेन KGF इज ब्रेकिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ हिंदी फिल्म्स, बड़े बड़े हिंदी फिल्मों का हिंदी सर्किट में, सिर्फ नॉट इन पैन इंड मतलब कि ऑल लैंग्वेजेस का नहीं, KGF कन्नड़ा फिल्म ब्रेकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स इज समथिंग बिग. RR डूइंग सो मच, पुष्पा डिड सो मच, एंड द सेम थिंग हैपेंड टू के ये इतना बड़ा टॉपिक और इतना बड़ा डिबेट का हिस्सा है, साउथ इंडस्ट्रीज डोमिनेट करेगी. नेवर नेवर, कुछ पांच साल पहले नहीं इमेजिन नहीं किया था. और आज मैंने देखा कि एक बॉलीवुड के बड़े स्टार और एक कन्नड़ा इंडस्ट्री का स्टार का ट्विटर में पंगा चल रहा है. डीडी सीधा पंगा चल रहा है. एंड वो दिख रहा है कि इट्स वो इफेक्ट कर रहा है लोगों को, वो इफेक्ट हो रहा है. बट वेरी सून सी इट्स ऑल अबाउट इनकम, इट्स ऑल अबाउट मनी. Like the more dominance, the more money. It's all the game of money only. Like we cannot say कि यार पैसा नहीं है यहाँ पे, just about content. ऐसा नहीं, पैसा भी है यहाँ पे. Bollywood knows कि यार we are losing the market somewhere.
जो हमारी मूवी 300 करोड़ दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन नाउ या 300 करोड़ बन गई मूवी सलमान खान की, तो सोचे कि आखिर कितना कमा लिया, पैसा क्या कर दिया, कमाल कर दिया हमने। आज केजेट जैसी मूवी 300 करोड़ में हिंदी में कमा ली इसने, कन्नड़ा तेलुगू तमिल तो छोड़ ही दो वहाँ पे। सिमिलरली देर विल बी वन डे जब मलयालम इंडस्ट्री थिएटर्स में आएगी और इसी तरह से रिसीव होगी। इनफैक्ट आई थिंक के देर विल बी अ टाइम वेर इन पीपल विल नॉट इवन कंसिडर डब मूवीज। जहाँ तक मलयालम की बात है, इसको डब नहीं कर सकते, इनके इमोशंस कैप्चर करने के लिए डब नहीं कर सकते इनको। तो इट हैज़ टू बी रिसीव इन द सेम लैंग्वेज इट हैज़ बीन प्रोड्यूस्ड एंड इट विल एक्चुअली बी कंज्यूम इन द सेम लैंग्वेज सबटाइटल की मदद से वो होगा एंड देयर विल बी सम टाइम। एंड आई इवन आई प्रीफर दैट ओनली। मैं जब भी कोई भी साउथ की फिल्म आती है तो वी फर्स्ट वॉच इन द ओरिजिनल लैंग्वेज ओनली। अब जैसे कि RRR भी हमने पहले ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी, KGF हमने पहले ओरिजिनल लैंग्वेज में देखी, बिकॉज ओरिजिनल लैंग्वेज का जो इमोशन है वो डब में नहीं मिलता। देन यू हैव ऑप्शन, देन यू कैन वॉच इन हिंदी। एंड सम आज तक आजकल तो थोड़ा वो जो डब हो रहा है हिंदी में थोड़ा बेहतर हो रहा है। पहले तो उसकी बैंड बजाती, आई थिंक बाहुबली से वो हुआ है कि बाहुबली में एक अच्छी डब फिल्म हमें देखने को मिली थी। उससे पहले तो इतने खराब आर्टिस्ट को लेते थे, इतने खराब तरीके से डब करते थे डायलॉग की पूरी। KGF चैप्टर 1 को हिंदी में कितनी बुरी तरीके से डब किया गया है, ऑलमोस्ट पूरे डायलॉग का सीन वो सीन ही बदल देते हैं वो लोग। एग्जैक्टली। और हॉलीवुड तो छोड़ ही दो। हाँ, हॉलीवुड के डायलॉग्स तो एवेंजर्स एंड गेम याद है मुझे। एवेंजर्स एंड गेम में वो कुछ और बोल रहा है, यहाँ पर शहनशाह दीवार और कुछ कुछ ऐसे फिल्म के डायलॉग चल रहे हैं। सो या दिस वाज आवर रिएक्शन ऑन 12th मैन टीजर। इट लेफ्ट अस एक्चुअली शॉक्ड एंड it actually made us discuss so much. yeah, let's wait to the trailer and definitely OTT pe aa rahi hai, to agar waqt raha to zarur dekhenge first time ya fir 2-3 din ke baad to dekhna padega ye film. yeah. so yeah, jaane se pehle channel ko subscribe kijiye, notification bell ring kijiye for more entertainment and follows on instagram, ke details humne diye. this is Mohan Chavez, Mohan Nayak signing off.